हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो जो गंगा क्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है उनके माइंड में। जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें प्राइस कैसे मिलेगा, जैसे इसमें प्राइस बच्चों लैपटॉप का मिलेगा, टैबलेट का मिलेगा, सर इसमें कितने राउंड होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बाद में जो फाइनल राउंड होगा वो आपका लाइव होगा, सबको लाइव इस पर पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं आपसे देने जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। इसमें पार्टिसिपेट सभी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एज का कर सकता है। बस अभी जो मैं गंगा क्वेस्ट की बात कर रहा हूं वो 10 साल से ऊपर बच्चा हो, ठीक है, 10 साल से नीचे वाले के लिए अलग है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप इसे धैर्यपूर्वक ध्यान से समझिएगा। डेट जो है वो उसकी बढ़ा दी गई है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मेरी बात सुनते, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसकी अलग वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर स्पेशली क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बच्चे जानना चाहते हैं इस कंपटीशन को लेकर, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप सबके लिए, ठीक है। राउंड वन आपको 50 पॉइंट्स का होगा, राउंड टू आपको 50 पॉइंट्स का होगा, ठीक है, सर्वे के 50 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीशन 100 पॉइंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप फटाफट कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें जान लेते हैं, हालांकि मैंने कुछ के आंसर आपको साथ के साथ बता भी दिए, ठीक है। तो गंगा क्वेस्ट क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, इंडिया के बाहर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और भी बहुत सारे इसमें अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ना, ठीक है, इसमें जो है आपको जो अवार्ड है इसमें वीकली टॉप 3 की बात की जा रही है तीनों कैटेगरी में, ठीक है, और वीकली टॉप जो है 3-4 थिंग्स के अंदर, और वीकली 25 सारी कैटेगरी के मिला के हो गए, और वीकली जो है टॉप 25 होंगे, ठीक है, जो सारे के सारे 4 थीम के मिला के हो जाएंगे, यहाँ पर ये बता रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आता है कि अगर मैं इंडिया के अंदर नहीं तो इससे अप्लाई कर सकता हूँ, यस आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कैसे अप्लाई करना है मैंने वीडियो बना दिया, वहाँ से देख लेना। और अगर आप जो है जीत जाते तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो इसलिए अपने पूरी डिटेल सही से भरिएगा। आपको फ़ोन कर सकते हैं वो, ठीक है, आपको ईमेल आईडी, वो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे वो कि आप जीत गए हैं। 5 जून 2022 को फाइनल विनर जो है ना विल बी अनाउंस होंगे, ठीक है, 5 जून 2022 को होंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द लाइव क्विज, जब लाइव क्विज हो जाएगा ना उसके बाद 5 जून 2022 को फाइनल विनर जो है वो अनाउंस होंगे, और उसके बाद वेबसाइट पर भी उनके नाम आ जाएंगे ताकि उन्हें पता लग जाए, ठीक है, सुन ले मेरी बात। और जो है अगर आप यूज़र नेम भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर जाकर अपने यूज़र नेम भी गेट कर सकते हैं। अगर 10 साल से जो है नीचे का बच्चा तो वो इस वाले में नहीं अप्लाई करेगा, वो दूसरे में अप्लाई करेगा, ठीक है, उसकी इस साइट पर आपको जाना पड़ेगा। और ये जो कंपटीशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने वीडियो बना रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे कैसे कैसे भरना, पूरी डिटेल से बता रखे, काफ़ी बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट ले चुके हैं, काफ़ी जीत भी चुके हैं, ठीक है। तो एलिजिबल जो है वो बच्चे 10 साल से ऊपर वाले होंगे। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी आपको चूज़ करनी होती है। अब देखो ये जो डेट है, डेट एक्सटेंड कर दी गई है, अभी आप इसको मत देखो, ठीक है, तो डेट आपके एक्सटेंड है, आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर, ठीक है। और अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, पासपोर्ट रीसेट कैसे करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किस तरीके से बच्चा अगर कोई चाहे तो पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हैं यहाँ पर साइट पर जाकर, ठीक है। और ये कोई बच्चा जैसे पूछ रहा है कि क्या मैं कैन आई पार्टिसिपेट मल्टीपल टाइम्स यूजिंग द सेम ईमेल एड्रेस, क्या मैं बार बार पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। हाँ, आप जितनी मर्जी बार करें, अगर आप विनर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जितनी मर्जी बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ कैन एक्सेस द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा, सर्टिफिकेट या रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगी अचीवमेंट सेक्शन में, आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द 3 राउंड, जब तीनों राउंड पूरे कर लेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। और अपडेट योर प्रोफाइल, आपका फिर प्रोफाइल जो अपडेट होगा, ठीक है। आई हैव 2 रजिस्ट्रेशन एंड वांट टू डिलीट 1, आपने 2 बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 1 डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। तो यस यू कैन प्ले द क्विज विद 1 रजिस्ट्रेशन दैट यू विश टू प्रोसीड विद एंड इग्नोर द अदर, तो आप डिलीट करने के देते हो, दूसरे को इग्नोर कर दो, ये बोला गया, ठीक है। और विल
आई अर्न क्लैप पॉइंट्स इफ आई पार्टिसिपेट इन गंगा क्विज। क्या जो क्लैप पॉइंट्स होते हैं क्या वो मिलेंगे? हाँ भाई, पॉइंट्स जरूर मिलेंगे आपको, इसमें पॉइंट्स भी मिलते हैं बच्चों। अच्छा, आपके मन में बहुत से में ये क्वेश्चन आएगा कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, इसमें आ रहा नहीं आ रहा? सबसे बड़ी बात तो यही आपके मन में आ रही होगी, है ना? तो आपको वो भी मैं बताता हूँ, एक मिनट ये सुनो। विल आई अर्न क्लैप पॉइंट्स इफ आई रजिस्टर? अगर आप रजिस्टर करवाएंगे तब भी आपको क्लैप पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है? ये पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं जो आपको विनर बनाने में हेल्प करता है। देखो अब ये जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी वो सुन लो, एक है 8वीं क्लास तक की कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है 9th से 12th, और तीसरी कैटेगरी है जो 12th से ऊपर कोई भी किसी भी एज का हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है? और अगर कोई बच्चा इंस्टीट्यूशन कोड जाना चाहता है तो इट इज़ एन अल्फान्यूमेरिक कोड दैट इज जनरेटेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल वंस दे अपडेट देयर प्रोफाइल ऑन द पोर्टल। जब पोर्टल पर वो अप्लाई करते हैं तो एक कोड मिलता है, तो वही इंस्टीट्यूशन कोड कहलाता है, ठीक है? आप जब वो देखेंगे ना वीडियो किस तरीके से फॉर्म भरना, तो उसमें पता लग जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है, अब बाकी और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं कि जो मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो देखो यहाँ बता रखा है कि आप जो है इस पर जाकर, ठीक है, मटेरियल को गेट कर सकते, लेकिन आप और भी जो है अपने आसपास कहीं से भी मटेरियल गेट कर सकते हैं, लेकिन जितना भी कुछ जो आएगा ना इसमें, जितना भी इस कॉम्पिटिशन में आएगा वो गंगा एनवायरमेंट से रिलेटेड आएगा, पर्यावरण से रिलेटेड आएगा सब कुछ इसमें जो टॉपिक आएगा, ठीक है? सुन रहे मेरी बात? और एक जैसे यह है कि हाउ आर द विनर इवेल्यूटेड, विनर कैसे यहाँ पे इवेल्यूट होगा, कैसे पता लगेगा? तो देर आर द टू मेन राउंड इन गंगा क्विज, दो राउंड होंगे। राउंड वन इज ए क्वालिफाइंग राउंड, राउंड वन में आप सिर्फ क्वालिफाई करना, सिर्फ पास होना है। तो परफॉर्मिंग इन द राउंड सेकेंड हैज आइडेंटिफाई द विनर, और जो सेकेंड राउंड होगा उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा विनर को। और उसके बाद लास्ट राउंड इज ए सर्वे, ठीक है, रेफर टू द लिंक और टू डिटेल्स ईच राउंड ऑफ द क्विज, और इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल इस साइट पर दे रखी है, आप इसे और अच्छे जान सकते हैं। कैटेगरी एंड थीम वाइज वीकली विनर विल क्वालिफाई टू पार्टिसिपेट इन द लाइव क्विज। देखो जो वीक वाइज जो क्वालिफाई करते जाएंगे उन्हीं को लाइव क्विज में बुलाया जाएगा, जो क्वालिफाई करेंगे। इसलिए जितनी मर्जी में ट्राई करें क्वालिफाई होने के लिए और लाइव क्विज आने के लिए आप अच्छे से करें। फाइनल विनर विल बी अनाउंस्ड, और फाइनल विनर वही बनेंगे जो लाइव क्विज में आएंगे, ठीक है? ये 5 जून को होगा, बाकी अभी अगर डेट एक्सटेंड होती तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे अभी फॉर्म फिल करने की भी डेट एक्सटेंड हुई थी, ठीक है? सुन लेना मेरी बात। तो कितनी बार प्रैक्टिस क्विज में कर सकता हूँ मैं? जितनी मर्जी बार आप कर सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी बार आप कर सकते हैं, और जब डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए थे ना उनके आंसर देने की मैंने कोशिश की है, ठीक है? तो आप जो है अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आराम से कर लीजिए, ओके? और ये लिखा ना, वैन विल बी द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा तो ये भी देख लेते हैं। विनर विल बी अनाउंस आफ्टर द लाइव क्विज के बाद ही हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है 5 जून को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 जून इसलिए रखा गया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसका मतलब ये कि मुझे लगता है कि डेट नहीं बढ़ाएंगे इसी तारीख को, उनका टारगेट पूरा होगा, ठीक है? तो आप जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कर ले, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया रजिस्ट्रेशन करवा ले, फिर अपने फटाफट जितने भी कॉम्पिटिशन है उस पर पार्टिसिपेट करके अच्छे से कर ले, ठीक है? सुन रहे हैं? तो ये जैसे दोबारा लिखे, और ऑल द क्वेश्चन आज इन गंगा क्विज आर फ्रॉम नॉलेज मटेरियल अवेलेबल इन द पोर्टल, कि सारे के सारे क्वेश्चन जो पोर्टल पर अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है, क्या उसमें से आएंगे? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बाहर से भी आ सकते हैं। वो केवल पोर्टल पर जो नॉलेज डाली गई, स्टडी मटेरियल डाला गया, वो केवल आइडिया लेने के लिए, आप और भी एक्स्ट्रा करें। एनवायरमेंट से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे CFC है, CFC क्या होती है, और बहुत सारे जो एनवायरमेंट है, कौन सा डे कब मनाया जाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो होप आपको मैंने जो है इन सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की होगी। बाकी फिर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है? प्राइसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लैपटॉप है, टैबलेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।